Good morning, students. Yesterday was your science test. Hope you have given your science test a good one. Question bahut revise kiya hua tha. I hope you have completed your work, done your revision, and given your exam the best one. Hai na? Kisi ko koi question tough laga hai to haath utha sakta hai. Let me see. Let me check. Ki was the question tough or was the question okay? If it was okay, you gave a thumbs up. It was okay. It was give a thumbs up. Other question, सही सही था, revised था, learned था, तो एक thumbs up दो. Let me see your reactions. Nobody. This question was. Okay. So, जो मैं बोल रही थी, the question was okay. है ना? सही था. Very good. I can see many of the thumbs up over here. Very good. Okay. So, last Tuesday, we were doing the, we had completed lesson 4, importance of plant. Kar liya tha na, hum logo ne? We had finished lesson 4 and we had done even the question answers. Hum logo ne question answers bhi kar liya tha. Tab logo ne questions utar liya tha. Okay. So, ab kya karte hum log? आज हम फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको. हम लोग आज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग टेलिंग अबाउट द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्या मुझे फिर बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और ये क्यों है? व्हाई दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इज बीइंग गिवन? रेज योर हैंड दोज़ हू वांट टू आंसर दिस. नोबडी. अरे आपको बता दूं, द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आर द स्टोरीज रिलेटेड टू द सेम चैप्टर. आपके जो लेसन है उससे रिलेटेड ही एक स्टोरी देते हैं जो कि कोरिलेट कर सके आप, सो दैट यू कैन कोरिलेट इट विद योर चैप्टर. है ना? उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एक स्टोरी दिया जाता है एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट द मोरल ऑफ इट. क्या वैल्यू है, क्या मोरल है, इसके बारे में बात करते हुए स्टोरीज. So, value-based question is equally important as the regular questions which is being given just after the lesson. It's equally important. So, you must learn, must read the value-based question and thereafter do the question answers following that lesson. Okay, everybody is going to take out their book. Sare bachche apne book nikalo and book me your book. It's your book and in the book, have to take out page number. This is the book. Take out your book. I'm going to share the page with you. Again, before sharing, I'm bata rahe hain, nobody is going to do any annotations in this. कोई भी छिड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नाम आएगा और इसके बाद आप पकड़े जाएंगे. पकड़े जाएंगे तो फिर डांट सुनेंगे ना, तो आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको डांट सुनना पड़े. है ना? वेरी गुड. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू. हियर गोज द स्टोरी, योर बुक. लेट्स सी. आगे आगे बैक. लेसन 5. ओके, दिस इज द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन व्हिच वी आर सपोज्ड टू स्टडी. ओके, लेसन इस स्टोरी को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगी व्हाट्सएप में जैसे एज यूजुअल देती है. आप इसको क्या करेंगे, कॉपी भी कर लेंगे. ओके, वेरी बेस्ट क्वेश्चन. द बर्थडे ऑफ नेहाज मदर वॉज ऑन 4th July. ठीक है, चला गया. ठीक है, 4th July को नेहा की मम्मी का बर्थडे है. नेहा अलॉन्ग विद हर फादर डिसाइडेड टू सरप्राइज हर विद अ नाइस बर्थडे गिफ्ट.
मम्मी का बर्थडे होता है तो एवरीबडी, आप भी करते होंगे, सारे लोग करते हैं क्या, माँ को कुछ सरप्राइज करेंगे, है ना, सो दैट आई कैन, माँ को कुछ अच्छा फील कराएंगे हम कुछ. इट्स नॉट नेसेसरी बाय गिफ्ट, बाय गिविंग गिफ्ट ओनली यू कैन सरप्राइज, है ना. आप फील गुड फैक्टर कुछ अच्छा काम करके कर सकते हैं, उनकी बातें सुन के कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है. जिया सिंह, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. हाँ जिया, मुझे बताओ, मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? डू यू सेलिब्रेट योर मदर्स बर्थडे? हाँ ना, जल्दी बोलो, क्या करते हो, क्या करते हो, व्हाट डू यू, तो क्या करते हो, व्हाट डू यू डू इन दैट डे? मैम करते हैं, तो उस दिन क्या करते हैं, बर्थडे के दिन आप क्या मैम करते हैं? घर को सजाते हैं, मम्मी के और लिए केक लाते हैं, ओके, घर को सजाते हैं और मम्मी के लिए केक लाते हैं. मैम अच्छा, और कुछ बोल रहे, बोलो और बोलो. मैम मम्मी को गिफ्ट देते हैं, मम्मी को गिफ्ट मैम मम्मी को गिफ्ट देते हैं। देते हैं, वेरी गुड. यस, जनरली वी डू लाइक दिस. हम क्या करते हैं कि उनको स्पेशल फील करवाने के लिए हम उनको कुछ गिफ्ट देते हैं. ओके डन, वेरी गुड, ऐसा ही करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि उनको कुछ देके ही स्पेशल फील कराया जाए. किसी का बर्थडे, किसी का भी बर्थडे, चाहे वो माँ का हो, पापा को हो, मेरा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारे ब्रदर का हो, किसी का भी बर्थडे उसकी जिंदगी का, जिंदगी का सबसे बेस्ट डे होता है. उस दिन वो अर्थ पे आया है ना, उस दिन उसको मतलब ह्यूमन बीइंग का लाइफ मिला है, तो इट्स अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर हिम. और ना सिर्फ उसके लिए, वो हमारे लिए भी, क्योंकि वो हमारे हमारे फैमिली का पार्ट है. तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उनको कुछ गिफ्ट ही दे, है ना. हमारे दिमाग में पहला आता है कि अगर बर्थडे है तो वी शुड गिव सम गिफ्ट. हम उनसे अच्छा बिहेव करके, उनकी बातें सुन के, दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड गुड गिफ्ट. बट नेहा, नेहा ने क्या किया, नेहा की मम्मी का बर्थडे है जैसे कि आप हैं जिया, तो आपने क्या, आपने क्या किया कि आपकी मम्मी का बर्थडे है, आपने क्या किया, एक बर्थडे केक मंगवाया, आपने गिफ्ट दिया, है ना. सभी करते हैं, मृत्युंजय करते हो ऐसा? संजय कुमार, डू यू डू लाइक दिस? अंशुमन, हाँ, आप क्या करते हो बेटा मम्मी के बर्थडे पे? मैम मम्मी के बर्थडे पे हम मैम बाहर जाके केक लाते हैं, और उनके लिए मैम बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं और उन्हें सरप्राइज देते हैं। ओके, एक नया वर्ड आया फिर से, हम उन्हें सरप्राइज देते हैं, यानी कि हमें उन्हें बताएंगे नहीं कि हम क्या करेंगे, और उनको हम वो गिफ्ट देके उनको कुछ सरप्राइज करते हैं, है ना. अंशुमन म्यूट करो बेटा अपने आप, अंशुमन म्यूट योरसेल्फ. उत्कर्ष पांडे कैसे सेलिब्रेट करता है? मेरी मम्मी का बर्थडे ना मेरे भाई के बर्थडे पर ही होता है। ओहो, मेरे मम्मी और भाई का बर्थडे एक ही दिन होता है। तब तो मम्मी को, हाँ तो सरप्राइज देने का मौका मिल, तब तो मम्मी को सरप्राइज देने का मौका मिलता नहीं है, मम्मी बेचारी काम करती रह जाती होंगी. करते सबको, फिर ओ उसके बाद मेरा भाई और मम्मी ना एक साथ मिलकर ना केक काटते हैं, अरे और मैं वाह, ऐसे कैरी बताना ओके, मन कर जाओ तो हम पूरी फैमिली भी के बाहर ना लगा कर केक काट सकते हैं। ओके, चलो, वेरी गुड. उत्कर्ष पांडे ने कहा चाहे तो हम लोग पूरी अभी फैमिली मिल, हाँ बोलो 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 बोलो. ओके चलो, सो और दिस क्या इज, बोलूं, और क्या बोलूँ, ठीक है, कोई बात, कुछ नहीं बोलना है. तो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट द बर्थडेज. ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है कि हम बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं, बाय कटिंग केक, बाय गिविंग सरप्राइज. दिस वाज द थिंग व्हिच हैपेंड विद नेहा आल्सो, है ना. मम्मी का बर्थडे है और उसे मम्मी के लिए कोई सरप्राइज देना है, तो जनरली सिंस वी आर किड्स, आप बच्चे हैं, तो आप खुद से कोई सरप्राइज गिफ्ट बना नहीं सकते, ला नहीं सकते, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी और यू डोंट हैव द मनी ऑफ योर ओन. तो क्या करते हैं, यू हैव टू टेक योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. यू मम्मी, मम्मी का है तो पापा का बर्थडे लेकर पापा का हेल्प देंगे. तो सिमिलरली नेहा ने भी यही कहा कि नेहा का बर्थडे था, पापा की मम्मी, नेहा की मम्मी का बर्थडे था, तो उसने सोचा क्या, मम्मी के लिए एक नाइस
birthday gift laid down. Neha, along with her father, decided to surprise him with a nice birthday gift. Her father took her to the nursery where they selected many saplings of different plants. Anuta gift, cheap gift, nice gift. उसने क्या किया? तो उसने क्या किया कि भाई गिफ्ट में हम किसी को बर्थडे में ड्रेस दें तो वो कुछ दिन के बाद फट जाएगा, चॉकलेट्स दें तो खाके खत्म कर देंगे, और भी कुछ गिफ्ट दें तो that can be used and can be thrown by. लेकिन उसने उसके पापा ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया. उसने कहा कि चलो हम लोग नर्सरी चलते हैं. अच्छा, नर्सरी ये एक ऐसा वर्ड है, ये हमारे छोटे बच्चों के लिए भी यूज होता है और पेड़ों के लिए भी यूज होता है. हम नर्सरी क्लासेस होते हैं छोटे बच्चों के क्लासेस, एंड छोटे पेड़ जो हमें मिलते हैं वी कॉल दैट आल्सो नर्सरी. ओके, कीप इट इन योर माइंड. नर्सरी मीन्स ओनली द क्लास ऑफ जूनियर क्लास. नो, जहाँ प्लांट्स मिले उसको भी नर्सरी मिलते हैं. ये भी प्लांट्स छोटे छोटे सैपलिंग्स जहाँ मिलेंगे वी कॉल इट नर्सरी. ठीक है जी, हाँ समझ में आया? सुन रहे हैं ऐसे झूम रहे? नो, लिसन टू मी. सो हर फादर टुक हर टू नर्सरी. उसको उसने नर्सरी में लेके गए और वहां से उन्हें तरह तरह के सैपलिंग्स लिए. सैपलिंग्स आर द अदर वर्ड फॉर बेबी प्लांट. बेबी प्लांट का दूसरा वर्ड क्या है? सैपलिंग. तो उसने सैपलिंग लिए and they got them packed in a careful and a neat way. Uske baad usne usko packing karwaya bahut sundar sa, carefully alag alag packing karwaya aur leke. Neha's father explained to her why he chose this gift to her mother. ab Neha to hum to bacche hain, aap bacche hain, aap sochenge ped kisko kyun gift denge. are gift dene ke liye mummy ko dena hai to bhi acha sa nail polish khareed lijiye, dress khareed lijiye, acha sa kuch चाय खरीद लीजिए. फिर पापा ने क्यों डिसाइड किया कि हमें सैपलिंग्स लेना है? पापा ने इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों लेना है. अच्छा, क्यों लेना है? पापा ने क्या एक्सप्लेन किया होगा? कौन बताएगा मुझे? Who will tell कि पापा ने क्या एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप बताए पापा ने ऐसा क्यों एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया होगा? If somebody wants to answer, raise your hand. Somebody wants to answer? Let's see, is there anybody raising hand? Nobody. Ardhivadwaj, मुझे दिखा है. Ardhivadwaj ने रेज किया है, अनम्यूट किया तुम्हें. बच्चा बोलो, आरती बोल बेटा. Ardhivadwaj अनम्यूट करो अपने आपको. Ardhivadwaj बोलो. पापा ने ऐसा गिफ्ट के लिए क्यों सोचा कि जहाँ पे उसने बहुत सारे सैपलिंग्स खरीद लिए हैं, ऐसा गिफ्ट के लिए क्यों सोचा? अध्य अपने आप को म्यूट करो बेटा, यू कैन नॉट वेस्ट टाइम लाइक दिस. अध्य अपने आप को म्यूट करो. हाँ जी अनुशाशी बोलो, तुम्हारा भी हाथ रेज्ड है. अनुषा, यस मैम. पापा ने ऐसा गिफ्ट क्यों लिया? क्योंकि उसका ध्यान रखने में सबको अच्छा लगता है. अच्छा, आदर्श, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही मेरी? चुप रही है. आदर्श, यस मैम. आपको आवाज मेरी आ रही है? Yes, ma'am. बताओ, पापा ने ऐसा गिफ्ट क्यों लिया? क्योंकि बोलो. क्या हो गया? पापा ने ऐसा गिफ्ट क्यों लिया? जल्दी जल्दी बोलो. एक्चुअली If you waste time ना तो हम आगे नहीं. आप दूसरे रूम में जाए, आपकी आवाज के साथ दूसरा आवाज भी आ रहा है. बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे रूम में बैठ के पढ़े जहाँ पे आवाज थोड़ी कम हो, क्योंकि इट इज अ डिस्टर्बेंस. आदर्श, आपको डिस्टर्बेंस लग रहा है ना, क्योंकि आपकी आवाज अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है. ऐसे देखिए सारे बच्चे कितने शांति से बैठ के बातें सुन रहे हैं और आपकी आवाज के साथ दूसरी आवाज आ रही है ना बेटा. इट इज अ डिस्टर्बेंस.
ओके नाउ अब मैं बताती हूँ फादर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया. देखो सारे जो गिफ्ट्स हैं, जो भी हम गिफ्ट किसी को करते हैं, वो समय के साथ वो धूमिल हो जाएंगे, वो खत्म होते रहेंगे, है ना. बट प्लांटेशन इज समथिंग समथिंग लाइक दिस कि आप छोटा प्लांट लगाएंगे और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो प्लांट बढ़ेगा, प्लांट क्या करेगा, बढ़ेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्री. और आपसे लेगा वो कुछ नहीं वनस्पत, वो रिटर्न में इट विल गिव मेनी थिंग्स टू यू. अगर आपने आम का पौधा लगाया है तो 4 से 5 साल में वो आपको आम देना शुरू करेगा, देगा ना. और आपको हमेशा याद रहेगा कि आज के डेट में ये पेड़ मुझे इसलिए दिया था, मैंने इसको लगाया, इसको टेक केयर किया. ओके तो ये दिस वॉज द पर्पज फॉर गिविंग द प्लांट एज अ गिफ्ट. इसके फादर का पर्पज यही था कि व्हेनेवर ही विल गिव समथिंग, गिव अ प्लांट सैपलिंग टू द एज अ गिफ्ट, ही विल टेक केयर ऑफ इट एंड एज द टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे समय जाएगा, द सैपलिंग विल कन्वर्ट इनटू न्यू ट्री, इट विल गिव फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा. And whenever she'll have that fruit, और इतना ही नहीं, fruits ही नहीं, वो हमारे environment को भी clean करेगा. मैंने बताया है आपको कि the plants take in carbon dioxide and in return give us oxygen. आपको बहुत जगह ऐसे banner मिलेंगे. If you go to some places where trees are being planted, वहाँ पे आपको banner मिलेंगे. Plant a tree and get oxygen free, है ना? Clean the environment. Plant an tree like that. तो ये बहुत important है. ये हमने कहा ना, ये हमारा best friend है. दिखने को लगता है कि he is my best friend, she is my best friend for, but human beings का best friend लेकिन trees हैं, plants हैं, because ये selflessly आपको help करते हैं. Okay, so they got them packed carefully and neat way. Neha's father explained her why he chose this gift for her mother. Neha के father ने explain किया कि उसने ऐसा गिफ्ट क्यों लिया है. आपको पता चला कि उसके पापा ने ऐसा गिफ्ट क्यों लिया है? अंशुमन आपको पता चला, समझ में आया कि पापा ने ऐसा गिफ्ट क्यों लिया था मामा के लिए? ओके, पापा ने ऐसा गिफ्ट इसलिए लिया था ताकि इस गिफ्ट की वो देखभाल करे और आने वाले बहुत सालों तक इसकी यूज एंड इसकी यूटिलिटी को समझ सके. ओके, वेरी गुड. नाउ Neha felt very happy when mother appreciated this surprise. और Neha को तो कुछ का ठिकाना नहीं रहा. When her mother was also very happy. When she saw the mother was more happy when she got this surprise gift. Surprise gift में अगर आपके मन की कोई चीज मिले तो हम बहुत खुश होते हैं ना. आप अभी मान लो सोच रहे थे कि पापा आ जाते शाम में घर पे and मेरे लिए डेयरी मिल्क लेके आते. And as a surprise, when he returns home in the evening, he gives you a dairy milk chocolate. Won't you be happy? Yeah. Not only happy, happiest. Wow, you'll have that wow feeling. अरे मैंने सोचा ही था कि पापा मुझे लिए ले आते, अब पापा ले आए. अदृश्य कभी ऐसा होता है? Do you ever feel like this? आपने सोचा और आपको कुछ अच्छा surprise मिला जिसको आप बहुत appreciate करते हो. अदृश्य You sleeping? जवाब दो. वो hang कर गया. मुझे लग रहा है. Otherwise he is not moving also. अच्छा. मैं किसी और से पूछ लूँ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं. Have you ever felt like this? यशस्वी, यशस्वी. Unmute yourself. कभी ऐसा हुआ है बेटा? कभी ऐसा हुआ है कि आपने आपको बड़ा ऐसा सरप्राइज गिफ्ट मिला हो? क्या मैम कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला हो सरप्राइज में जो आपके मन की चीज थी कि आपको आपने सोचा कि मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए एंड एज अ सरप्राइज गिफ्ट यू गॉट दिस, कभी ऐसा हुआ है? नो मैम, कभी नहीं हुआ. ऐसा नहीं होता बेटा. मम्मी लोग ऐसे ही करती. आपके मन की बात सबसे अच्छा ज्यादा मम्मी समझती है तो मम्मी आपके लिए लेके आती होंगी. नहीं हुआ है आज, कोई बात नहीं. चलो ओके. सो दिस वाज अ सरप्राइज गिफ्ट. नाउ दे ऑल जॉइंटली प्लांटेड दो सैपलिंग्स इन द गार्डन एंड टुक केयर टू ग्रो हेल्प देम ग्रो. उसके बाद
जब उसे गिफ्ट मिल गया माँ को, सारे सैपलिंग्स मिल गए, तरह तरह के सैपलिंग्स मिल गए, उन्होंने क्या किया, वो सारे सैपलिंग्स को अपने गार्डन में प्लांट किए और उसमें उसके मम्मी ने, पापा ने और नेहा ने खुद हेल्प किया. नाउ द क्वेश्चन कम्स, सी द वैल्यू डिस्प्लेड बाय नेहा एंड हर फादर. से क्या पता चलता है नेहा और उसके फादर की वैल्यूज क्या है, क्या कौन कौन सी वैल्यू का पता चलता है, कौन बताएगा मुझे, कौन कौन बताएगा मुझे, रेज योर हैंड. किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को, म्यूट करो यशस्वी, म्यूट करो अपने आप को, तुम्हारा ही आया है आवाज यशस्वी, म्यूट योरसेल्फ. कैसी वैल्यूज डिस्प्ले किया नेहा और उसके फादर ने, स्टोरी कैसा बताता है, व्हाट डज द स्टोरी से. फाइव पार्टिसिपेंट्स रेज द हैंड्स. अर्णव गुप्ता चलो बोलो. Yeah, ma'am. What is the question? Say the value displayed by Neha and her father. Ma'am. Bolu. Is this story se hame kya shiksha milti hai? Nahi na. Neha uske father ne kaise value se display ki? Kya bataya Neha value aur uske father ke bare mein batana hai aapko. मैम नेहा और उसके फादर ने ये हम लोग को दिखाया कि हमें जितना हो सके उतना प्लांट लगाना चाहिए, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, नेहा एंड हर फादर शोड दैट दे वर वेरी नेचर लविंग. उन्हें गिफ्ट में देना भी था तो उन्होंने प्लांट्स दिया है ना, दे वर नेचर लविंग, प्लांट लविंग, एंड दे न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ. अगर आपको क्लास नहीं करना बेटा, यू कैन लीव द क्लास बट यू कैन नॉट डिस्टर्ब द क्लास लाइक दिस. ओके, यस. नंबर टू क्वेश्चन, नंबर टू, म्यूट योरसेल्फ अर्णव, म्यूट करो. नंबर टू, व्हाई डू यू थिंक नेहा'स मदर अप्रिशिएटेड द सैपलिंग एज अ गिफ्ट. नेहा की मम्मी ने क्यों अप्रिशिएट किया सैपलिंग एज अ गिफ्ट. लेट्स सी इफ समबडी वांट्स टू आंसर, देन आई'ल आंसर. अगर नहीं कोई देना चाहेगा, रेज योर हैंड दोज़ हू वांट टू आंसर. अच्छा हाँ, अभी उत्कर्ष का मैंने देखा हाथ उठा हुआ. उत्कर्ष, यू वांट टू आंसर, बोलो. व्हाई नेहा'स मदर अप्रिशिएटेड द सैपलिंग. क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक नेहा'स मदर अप्रिशिएटेड द सैपलिंग एज अ गिफ्ट. बुक आपके पास खुली हुई है? अरे मैं तो लोअर हैंड करना ही भूल गया था. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसीलिए ये तो यही इसीलिए तो बोला जाता है कि whenever you raise your hand and if you're not ask the question, lower your hands immediately. Okay, yes. नेहा की मदर ने अप्रिशिएट किया था प्लांट्स एज अ सैपलिंग बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ प्लांट लवर. शी न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स. शी न्यू वाई द प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड. ओके, suggest how can you take care of sapling planting planted by him or her. kaise koi plant ko agar hum log plant karna kuch sapling ko plant karte to kya kya karna chahiye, how can you take care of it. ye to bata sakte hain, ye to anybody can answer ki how the new plants or new saplings are being taken care of. kaise ek bachcha ya koi bhi jis plant ko hum laga rahe hain uski kaise dekhbhal kar sakte hain, iska ke liye to I just think ki everybody can answer this question. अपर्णा सिद्धि, आशना भी है क्लास में. अरे आशना बताओ. चलो तुमको म्यूट किया मैंने, मैंने आपको देखा ही तब तक. आशना बोलो, अनम्यूट करो अपने आपको. आशना अनम्यूट करो अपने आपको जल्दी जल्दी. आशना अनम्यूट करो. यस, आप बोलो. आपने किसी प्लांट, ओके, आपने किसी को किसी प्लांट को लगाया, देन हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट. कैसे प्लांट को देखभाल करूंगी मैम? मैं उसको रोज पानी दूंगी और ऐसी जगह पे रखूंगी जहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी धूप आती हो, ज्यादा धूप लगेगी तो शायद वो सूख जाएगा. वेरी गुड आशना, बहुत अच्छा जवाब. वेरी गुड आशना, को पता है. यस, वेरी गुड, आपने एकदम सही जवाब दिया. एंड क्लैप फॉर हर. यस, सही बात है. अगर हम प्लांट की सैपलिंग लगाते हैं
तो कैसे केयर करेंगी? हम कैसे केयर करेंगे? उसकी वाटरिंग प्रॉपरली करेंगे, हर दिन पानी देंगे उसको. आप लोगों ने अभी इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ी है, द कैनरी, याद है आपको क्या था उसमें? Yes, ma'am. कि सोमू को एक गिफ्ट मिला, सोमू को उसके बर्थडे में पापा ने क्या दिया, मॉली, एक कैनरी बर्ड. जब उसे गिफ्ट मिला नया मिला तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वो रोज के साथ खेलता था. लेकिन धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया मॉली से, है ना. और क्या हुआ, उसको फिर दूसरा कोई गन मिल गया, तो वो ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली. अब वो भूल जाता था पेड़ में उसको पानी देना, उसको दाना देना. एंड वन डे हैपेंड कि वो सुबह से ना पानी दिया ना खाना दिया, क्या हुआ, वो अधमरा सा हो गया था. याद है आशना, डू रिमेम्बर द स्टोरी? यस. तो हम जब प्लांट्स लगाए या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रहे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. हमें उनको प्लांट्स में पानी देने हैं, उसका समय समय पे उसको थोड़ा कोड़ना है, थोड़ी सी उसकी मिट्टी को ढीली करनी है, उसको तेज धूप में नहीं रखना है. आशना ने बहुत खूबसूरती से बताया है इस चीज को. वेरी गुड आशना. यस, हमें बहुत तेज धूप में इसको नहीं रखना है, बट उसे धूप लगनी चाहिए, उतना रखना चाहिए. वेरी गुड. यस. अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है. सजेस्ट, थिंक वन मोर ओकेजन व्हेन वेयर यू कैन गिव अ सैपलिंग टू समवन. अब मुझे बताओ, ये तो बर्थडे में दिया, अब और कैसे ओकेजन में हम किसी को सैपलिंग दे सकते हैं? हाथ उठाना जल्दी जल्दी. Raise your hand, those who can answer this question. Think of one more occasion when one can give a sapling to somebody. कब दे सकते हैं sapling? 10 लोगों ने हाथ उठाया है, बट मेरे स्क्रीन में किसी का भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो मुझे स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा है. अर्णव गुप्ता ने हाथ उठाया हुआ है. आयुष राज, ओके आयुष बताओ. Raise your hand. Tell me. Think of one more occasion where you can give this happening to somebody. यहाँ पे तो नेहा की ने अपने मम्मी को बर्थडे पे दिया. बोलो. मैम अर्थ डे. मैम अर्थ डे. आप म्यूट करें अपने आप को पहले. आप म्यूट करें पहले अपने आप. मैम अर्थ डे. ठीक है आयुष, म्यूट करो अपने आप को पहले. ओके आयुष, आपकी तरफ बहुत तेज आवाज थी इसलिए मैंने आपको म्यूट करने के लिए कहा है. यस, ऑन द अर्थ डे. वेरी गुड. ऑन द डे ऑफ अर्थ, अर्थ डे वी कैन गिव. और भी बहुत सारे ओकेजन हो सकते हैं. वन महोत्सव डे, व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, देन आल्सो वी कैन गिव. एनवायरमेंट डे, हम उसमें सैपलिंग्स को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. नाउ लेट मी गेट बैक टू क्लास अगेन. हम लोग वापस जाते हैं, हम लोग स्टॉप शेयरिंग करते हैं. ओके, नाउ लेट मी गेट बैक टू द क्लास. सो दिस वाज ऑल अबाउट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अबाउट द स्टोरी ऑफ नेहा एंड हर मदर एंड हर बर्थडे व्हिच वी सॉ. आपके साथ काम आज का रहेगा, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी. मैं डिस्कस करूंगी, मैं आपको भेजूंगी, आई विल सेंड यू द रिटन क्वेश्चन आंसर्स. बट अगेन ध्यान रखेंगे, आपका लेसन 4 should be complete in your copy. मैं आपका किसी भी दिन इवनिंग शेड्यूल करूंगी, I'll check your copy. ठीक है? Okay students, अंजिका को नींद आ रही है, not good. Okay, now if anybody wants to ask something, you can raise hand. Ashna, क्या हुआ? What happened, Ashna? Ashna, मैंने unmute किया तुम्हें. Can you hear? Yes, ma'am. आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया बेटा? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? आपने फोर्थ लेसन लिख लिया है? आपने पूरा कंप्लीट लिखा है? अगर आप नो टेल मी द ट्रुथ, अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको फिर से व्हाट्सएप करूंगी. यू हैव टू लर्न राइट इट. आज जैसे सुंदर से आपने आंसर दिया है, यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स अगेन टू मी. ठीक है? हम कल क्वेश्चन आंसर्स ही सुनेंगे, ध्यान रहे. अगेन आपने म्यूट कर लिया, क्यों म्यूट कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं ना बेटा. अर्चना, am I audible to you? क्या मुझे मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay, very good. So, जैसे आप आज अपने क्वेश्चन का जवाब दिया है, वैसे आप एवरीडे क्वेश्चन का जवाब देंगे, because अच्छे बच्चे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, है ना? Okay. And all the students, those who are attend in the class, इस बात का ध्यान रखेंगे, when the teachers are asking you some questions, आपको उसके जवाब तैयार रखने पड़ेंगे, है ना?
ताकि आप लर्न करें, आप बढ़िया से लर्न करें क्वेश्चन आंसर्स, आप प्रिपेयर्ड होके आए. जैसे आपको होमवर्क मिलता है उसको प्रिपेयर होके आएंगे तो आप जवाब भी देंगे एंड यू विल गेट अ क्लैप फ्रॉम द टीचर्स आल्सो. हम बच्चे भी क्लैप देते हैं, सारे बच्चे सबके लिए क्लैप कर दें, हम सभी बच्चे सभी टीचर बच्चे के लिए क्लैप क्लैप कर देते हैं. Let's see, कितने लोग क्लैप करते हैं. मैंने तो क्लैप किया सबों के लिए. The clap is for everybody. Okay, let's see how many of you clap. Okay, Shri ने क्लैप किया, अंशुमन ने क्लैप किया. Okay, सिद्धांत ने क्लैप क्लैप किया. Very good, अंशुमन. Yes, we deserve a clap. हम सारे लोग एक क्लैप डिजर्व करते हैं क्योंकि हम सारे लोग इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं ना, तो we deserve a clap. Okay, so we are running out of time. हमारा short time हो गया है, हमारे पास only 1 minute time है. अभी मैं फिर से पूछ रही हूँ, if somebody wants to ask something, then ask. Raise your hand and ask something. चलो, इतने अगर मुझे किसी ने मुझसे कुछ पूछना हो, तो they can ask me. Let's see, कितने लोगों ने हाथ उठाया. मैं उन्हीं को unmute करूँगी जो हाथ उठा रहे हैं. You want to ask? Okay, then just wait for your WhatsApp. WhatsApp पे आपके question अभी आएंगे. आप WhatsApp पर question देख करके उसको उतारे. आपका value based question है. Again बोल रही हूँ, value based questions are very important because value based question उसी lesson से ली हुई stories, उसी lesson से ली हुई topic होती है जिसको story की तरह आपको बताया जाता है ना, ताकि उस lesson से related हो. तो ये stories आपको जानना चाहिए. ठीक है? Okay students. Wait for you. Bye for till now, and wait for your WhatsApp too. Okay, मैं यही वीडियो शेयर भी कर रही हूँ आपके YouTube में. आप इसको देख भी सकते हैं. जिन लोगों ने मिस किया है, उनको बताएंगे कि आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हैं इसी दिन. Okay, bye till.